गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे धागे के प्रकार, कि धागे धागे के प्रकार। आपको बताया था कि धागे मुख्यतः क्या है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक आपको बताया था साधारण धागे, और साधारण धागे में चार प्रकार के बताए थे। इसके अंदर आपको बताया था कि एक रेशे धागा, और फिर आपको बताया था इसमें दोहरा धागा, फिर इसके अंदर था बहुरेशीय या बहुभांज धागे, और एक था इसमें केबल या कोड धागे। तो यानी साधारण धागे भी कितने प्रकार के थे, ये थे चार प्रकार के थे, ये चार प्रकार के। अब आज हम बात करेंगे, पिछली क्लास में हमने साधारण धागे कर लिए थे, आज करेंगे हम मिश्रित धागे। मिश्रित धागे, मिश्रित धागे पर डिस्कस करेंगे। तो मिश्रित धागे कौन से होते हैं, इसके अंदर क्या है, मिश्रित धागों के अंदर विभिन्न वर्गों के रेशों को एक साथ मिलाकर, यानी अलग अलग वर्ग, यानी इसमें प्राकृतिक रेशे भी हो सकते हैं, और मैनमेड फाइबर है जैसे कि रेयोन है वो भी हो सकता है, और कृत्रिम रेशे हैं जैसे नायलोन है, ये रेशे भी क्या है इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इनको क्या करते हैं, विभिन्न वर्गों के रेशों के धागों को एक साथ मिलाकर, और उनको क्या है, काट कर बटकर व ऐठन देकर विभिन्न प्रकार के क्या है, इनसे धागे बनाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, यानी जब क्या है, हम विभिन्न वर्गों के रेशों को एक साथ मिलाकर काटकर बटकर व ऐठन देकर विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, मिश्रित धागे कहते हैं। जो मिश्रित धागे होते हैं उनकी क्या है, रचना गूढ़ एवं जटिल होती है। जो इनकी रचना होती है वो क्या होती है, गूढ़ और जटिल रचना होती है, यानी पास पास सटे हुए होते हैं ये आपस में, और इनके इनमें क्या है, कई रंगों के रेशों को मिलाकर धागे का निर्माण किया जाता है। धागे की लंबाई, व्यास, आकार, प्रकार में भी क्या है, विभिन्नता हो सकती है। ऐठन में ऐठन की दर अनियमित एवं थोड़े थोड़े अंतराल पर ही हो सकती है, कहीं ज़्यादा ऐठन दी जाती है तो कहीं बिल्कुल ही बिना बटे ही क्या है, उनको कच्चा छोड़ दिया जाता है। इससे धागे में विभिन्नता आ जाती है, जिस कारण ये धागे अत्यंत सुंदर लगते हैं, अतः इन्हें फैंसी धागे के नाम से जाना जाता है। धागों को सुनहरी, सुंदर, मनोहारी एवं आकर्षक बनाने के लिए फंदे, गांठे यानी लूप्स, नोट्स और एक्स्ट्रा क्या होते हैं, ट्विस्ट दिए जाते हैं। यानी मान लो उसके अंदर कोई भी फैंसी धागा बनाना है, डिज़ाइन देना है, तो उसमें एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं, ऐठन दे देते हैं, उसमें नमूने, डिज़ाइन आदि भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, मिश्र धागे की रचना में तीन धागों का प्रयोग किया जाता है। आपको बताया था कि मिश्रित धागे के अंदर क्या है, तीन धागे का प्रयोग किया जाता है। पहले जो धागे होते हैं उसमें क्या बताया था, पहला धागा क्या करता है, बेस का काम करता है, यानी आधार होता है। दूसरा होता है, वो दूसरा जो धागा होता है वो क्या होता है, डिजाइन के लिए बनाया जाता है, यानी डिजाइन देने के लिए। और जो इसमें तीसरा जो धागा होता है ये डिजाइन के लिए, और इसमें जो तीसरा धागा होता है वो क्या है, इन दोनों को बांधने के लिए काम में लिया जाता है, यानी इसको बांधने के लिए है, उसको क्या है, तीसरे धागे का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करेगा, बांधने का काम करेगा इनको, यानी खुलने से रोकेगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, तीन धागे का प्रयोग किए गए हैं, तीन धागों का, कौन कौन से, डिजाइन के लिए, एक आधार के लिए, और तीसरा है वो किसी के लिए, बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है, इस प्रकार फैंसी धागे में कहीं कम ऐठन तो कहीं अधिक, कहीं लूप तो कहीं नमूने बनाए जाते हैं, कहीं कहीं फंदे व गांठे बनाए जाती हैं।
इससे धागा तो सुंदर एवं आकर्षक दिखता है, परंतु सम समान ऐंठन युक्त तथा चिकने धागे के अपेक्षा करती ये कमजोर होता है, क्योंकि जहाँ से भी नमूना डिजाइन गांठे फंदे या बिना ऐंठन युक्त भाग रहता है, वही भाग धुलाई के दौरान घिसावट से क्या हो जाता है, खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, नित्य क्या है, नए नए प्रकार के मिश्रित धागों से क्या है, सजावट के उद्देश्य से क्या है, फैंसी धागे तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ धागे हैं वो उनके ऊपर हम बात करेंगे, कुछ क्या है विभिन्न मिश्रित धागे उनके हम ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो मिश्रित धागे मिश्रित धागों के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं स्लब धागा। स्लब धागा होता है, इसके अंदर क्या है, इस प्रकार के फैंसी धागे में निश्चित अंतराल पर क्या है, ऐंठन दे दी जाती है। स्लब धागे में क्या है, एक निश्चित अंतराल पर क्या है, एक ऐंठन देते हैं, जैसे लंबा चल रहा है, फिर उसके अंदर हमने क्या दे दी है, एक ऐंठन दे दी, यानी उसको बल दे दिया। जैसे कि ये चल रहा था, यहाँ ये पूरा धागा है ऐसे, तो यहाँ पे क्या दे दी, ऐंठन दे दी एक्स्ट्रा, फिर यहाँ एक्स्ट्रा ऐंठन दे दी, यहाँ फिर एक्स्ट्रा, तो ये क्या है, स्लब धागा तैयार हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें क्या आ गई है, एक तरह से डिजाइन आ गया। तो क्या करते हैं, धागे में कहीं अधिक ऐंठन तो कहीं क्या है, बिल्कुल ही बिना ऐंठन के यूं ही छोड़ दिया जाता है, शेष जो स्थान रह जाते हैं उनको कसकर ऐंठन दी जाती है। कभी कभी ऐंठन की दर में भी भिन्नता रखी जाती है, इससे धागे में कसाव कम अधिक हो जाता है। ऐसा धागा देखने में अत्यंत सुंदर व आकर्षक लगता है, इससे वस्त्र के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, परंतु बिना बटे हुए तथा उभरे हुए स्थानों पर वस्त्र शीघ्रता से क्या है, फट जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऐंठन ज्यादा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर बिना बटे छोड़ देते हैं तो क्या है, ये शीघ्रता से फट जाते हैं। धुलाई के दौरान भी इन्हें क्या है, बिना बटे स्थानों पर घिसावट का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे वे भद्दे दिखते हैं, अतः वस्त्र समय से पूर्व ही क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। अब दूसरा है फ्लैट धागा। फ्लेक धागा है, फ्लेक धागे में क्या करते हैं, इसमें फ्लैट धागा भी क्या है, स्लैब धागे के ही इसी का ही क्या है, रूपांतरण एवं संशोधित रूप है, इसी में थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। इसमें एक धागा कम बटा हुआ अथवा बिना बटा हुआ रहता है, इसी बिना बटे धागे पर दूसरा कसकर बटा हुआ धागा लपेट दिया जाता है। यानी एक धागा तो बिना बटा हुआ और एक धागा क्या होता है, बटा हुआ होता है, उसमें क्या होती है, ट्विस्ट होती है, तो उसको क्या करते हैं, ये जो बटा हुआ धागा है इसको क्या है, इसके ऊपर ट्विस्ट, इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर बट देते हैं। तो इसी बिना बटे धागे पर दूसरा कसकर बटा हुआ धागा लपेट दिया जाता है। यह धागा देखने में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लगता है, परंतु निर्बल वह कमजोर होता है, परंतु ये देखने में क्या होता है, कमजोर होता है, क्योंकि नीचे का बिना बटा धागा कमजोर होता है, जो घिसावट के कारण फट जाता है। यानी ये वाला तो जो दूसरा धागा हमने बटा हुआ यूज किया है वो तो क्या मजबूत होता है, लेकिन जो नीचे वाला जो हमने बिना बटा लिया था, ये क्या होता है, इसकी मजबूती कम होती है। अब हम बात करते हैं स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू धागा, तीसरा जो धागा है। स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू धागा, इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें दो प्लाई या दो से अधिक प्लाई वाले धागों को, आपको बताया था प्लाई वाले धागे कौन से बताए थे, जैसे ये धागे हैं, ये क्या है, एक धागा दो तीन, अब इसमें क्या है, ये बन गया एक प्लाई बन गई, ये क्या बन गया यहाँ पे, प्लाई। अब आपको बताइए ये क्या है, प्लाई है, ये भी तीन धागे ले लिए, तीन धागों को मिला दिया आपस में, बटकर ऐंठन देकर धागा बना लिए, ये एक धागा ये बन गया,
तो इनको आपस में मिलाकर ये क्या बन गया, दो प्लाई यार्न बन गए हैं, यानी एक प्लाई ये है और एक प्लाई ये वाली हो गई, तो कितने हो गए, दो हो गए, दोनों को मिलाकर क्या है, टू प्लाई यार्न हो गया, ये टू प्लाई धागा, टू प्लाई यार्न बोलते हैं इनको, ये टू प्लाई यार्न है, ये वाला जो है यहाँ पर, ये क्या है, टू प्लाई यार्न है। तो जितने इसके नंबर ऑफ जो प्लाईज हैं उन्हीं के ऊपर क्या है, ये प्लाइयों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे दो प्लाई मिला लेंगे तो टू, जैसे ये तो दो हो गए, जैसे कि अब तीसरा मिला लेंगे तो थ्री प्लाई यार्न है, चार मिला लेंगे तो चार प्लाई यार्न है, तो इस प्रकार से क्या है, हम धागों की संख्या को ऐसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो ये धागे हैं, इस धागे की व्यास, लंबाई एवं मोटाई में भिन्नता रहती है, इसमें भी एक धागा बिना ऐंठन का तथा दूसरा धागा अत्यधिक ऐंठन युक्त रहता है। बिना ऐंठन वाले धागे पर अत्यधिक ऐंठन वाला धागा इतना कसकर लपेटा जाता है कि बिना ऐंठन वाला धागा दिखाई ही नहीं देता। अब इसमें भी यही बात थी कि एक ऐंठन वाला था, एक बिना ऐंठन का था, लेकिन इसमें क्या है, धागे क्या है, आपस में दिखते रहते हैं। इसमें क्या है, कॉर्कस्क्रू धागे में क्या करते हैं कि जो बिना बटा हुआ धागा हुआ है और जो बटा हुआ धागा है उसको इतनी आराम उससे लपेटा जाता है सफाई से, कि जो नीचे वाला जो धागा है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये भी क्या है, एक डिजाइन बन जाता है, यानी बिल्कुल ऐसे ऐसे करके क्या है, एक डिजाइन बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है, स्पाइरल या कॉर्कस्क्रू धागा। परंतु क्या है, इसमें लगातार प्रयोग से मोटे धागे के लहरदार घुमाव जो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं वो घिसकर जल्दी ही फट जाते हैं, फलतः क्या है, वस्त्र की टिकाऊपन एवं कार्य क्षमता कम हो जाती है। जब अत्यधिक ऐंठन होती है इसके ऊपर तो क्या है, जो ये मोटे ऊपर जो ऐंठन के कारण क्या है, ये उभर जाता है, तो ये उभरने के कारण क्या है, उभरा हुआ भाग धुलाई के दौरान क्या है, धुलाई या घर्षण के कारण क्या है, ये जल्दी फट जाता है। तो इससे इसकी जो टिकाऊपन या इसकी जो कार्य क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला है रेटाइन धागा, नेक्स्ट है रेटाइन धागा। रेटाइन धागे में क्या है, इस धागे में यह धागा काफी ट्रेंड में है, वस्त्र उद्योग में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। यह धागा भी स्पाइरल धागे का ही क्या है, रूपांतरित रूप है। इसमें भी क्या है, इसी में क्या है, थोड़ा सा चेंज करके क्या है, इसको रेटाइन धागा बना दिया है। इसकी बटाई भी स्पाइरल धागे के समान ही होती है। इसमें भी क्या होता है, एक धागा ऐंठन युक्त धागे पर दूसरा कसकर बटा हुआ धागा ऐंठन युक्त धागे को लपेट दिया जाता है। परंतु क्या है, इसमें इस धागे के निर्माण को करते समय इस पर बीच बीच में फंदे छोड़ दिए जाते हैं, फंदों को छोड़ दिया जाता है, इन फंदों को तीसरे धागे से यथास्थान बांध दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक धागा ले लिया, फिर दूसरे धागे को क्या है, कसकर बटा हुआ ऐंठन युक्त धागे को लपेटा जाता है फिर इसके ऊपर, और जब ये लपेटते हैं, परंतु इसको लपेटते समय क्या है, बीच बीच में फंदे छोड़ देते हैं, जैसे कि क्या है, यहाँ लपेट रहे हैं तो यहाँ फंदे छोड़ दिया बड़ा, फिर ये वैसे किस कंटिन्यू है, फिर यहाँ बड़ा लूप छोड़ दिया फंदा, वो करके लपेट रहे हैं, फिर यहाँ दोबारा लंबा वो छोड़ दिया ये करके, फिर यहाँ दोबारा, तो इस प्रकार से क्या है, इसमें लूप छोड़ देते हैं, ये लूप कहलाते हैं। इन लूप के कारण ये क्या है, ये इसमें डिजाइन बन जाता है। और क्या करते हैं इसमें, अब ये लूप छोड़ने के कारण क्या है, इसमें तीसरे धागे का भी प्रयोग किया जाता है, जो इसको क्या करता है, बांधने का काम करता है, ताकि ये हिले ना आपस में। तो इस प्रकार से, परंतु जब कभी कभी ये फंदे फंसकर खिंच जाते हैं, यानी आपने देखा है कई बार क्या है, कहीं पर भी उसमें फंस जाते हैं, तो क्या है, इन फंसने के कारण क्या ये खिंच जाते हैं और इनका जो आकार होता है या इनकी जो रचना होती है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। इस प्रकार से क्या है, इसके कारण क्या है, वस्त्र अपना जो उसकी ग्रेस होती है, जो उसका आकर्षण होता है, वो अपनी जो डिजाइन होता है उसको खो देता है। अगला है लूप, लूप धागा। इसको लूप बोलते हैं, कुंडली नुमा बोलते हैं,
कुंडली नुमा बोलते हैं, और इसको बाउसले या फिर इसको बाउसले धागा भी बोलते हैं। यानी तीन नाम है इसके, लूप बोल देते हैं इसको, कुंडली नुमा बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बाउसले धागा भी बोल देते हैं। अब इस धागे में क्या है, इस प्रकार के फैंसी धागे में भी क्या है, दो या दो से अधिक धागों को, या तो दो लेते हैं या दो से अधिक धागे भी, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने धागे इसमें को मिलाकर खिंचाव देकर बनाए जाते हैं। इसमें एक धागे को आधार बनाया जाता है, एक बेस होता है, दूसरा धागे को इस बेस के रूप में पर दूसरे धागे से निश्चित दूरी पर विभिन्न प्रकार के क्या है, लूप्स छोड़ देते हैं। आपको बताया था कि क्या है, इसमें दूसरा जो धागा लेते हैं उसमें निश्चित अंतराल पर क्या है, ऐसे लूप बनाते हुए जाते हैं। यानी ये तो हमारा बेस है, बेस के ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे लपेटते हुए लूप बना देते हैं इसमें। अब इसमें क्या है, लूप बने, इसमें क्या है, लूप बने होने के कारण वस्त्र क्या है, आकर्षक दिखता है। इसमें क्या है, लूप बन जाते हैं, इसलिए क्या है, ये धागा थोड़ा सा सुंदर लगने लग जाते हैं। लेकिन क्या है, इनमें सभी में एक ही चीज है, अगर ये जितने लूप बने होंगे उतने ही क्या है, इनकी मजबूती कम होगी, क्योंकि ये क्या है, कहीं ना कहीं फंस कर क्या है, अपने जो एक्चुअल जो उसका डिजाइन होता है उसको खो देते हैं। फिर हम बात करते हैं गांठ वाला या धब्बे वाला धागा। गांठ वाला या धब्बे वाला धागा, गांठ वाला या धब्बे वाला धागा होता है। इसमें आपको नाम से ही पता चलता है कि गांठे होती है। इस प्रकार के धागे में निर्माण में भी दो धागों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक आधार होता है और दूसरे धागे को पहले धागे पर ही निश्चित अंतराल पर लपेट कर स्थान पर देर तक लपेटते जाते हैं। तो जैसे कि ये धागा है, ये बेस है, बेस के ऊपर क्या है, दूसरे धागे का प्रयोग किया जाता है, तो इसको क्या है, एक ही जगह से ऐसे लपेटते जाते, फिर चलेंगे, फिर एक ही जगह लपेट दिया, फिर इस चलेंगे, फिर एक ही एक ही एक ही जगह लपेटते गए, फिर चलेंगे, फिर ये, तो आपने देखा ये क्या बन गई, गांठे बन गई। ये क्या है, गांठे बन गई। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, गांठ वाला या धब्बे, धब्बे धब्बे जैसे दिखाई देता, तो ये क्या है, गांठ वाला या धब्बे वाला धागा कहलाता है। जिससे क्या है, ऐसे लगता है कि जिसमें गांठे लगते, शेष स्थानों पर धागे को दूर तक दूर दूर लपेटा जाता है। इन गांठों को विभिन्न रंगों के धागों से तथा विभिन्न आकार में बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यही शेप हो, शेप अलग अलग चेंज कर देते हैं और इसमें अलग अलग कलर्स के धागों को यूज करके क्या है, इसको और भी सुंदर बना लेते हैं। कभी कभी गांठें छोटी होने के कारण धब्बे का भ्रम देती हैं। कहीं कहीं जैसे गांठें छोटी हो जाती तो वो क्या है, धब्बे जैसी दिखाई देती हैं। कभी कभी इन पर तीसरे बांधने वाला धागा भी प्रयोग किया जाता है। मोस्टली तो दो ही करते हैं, पर कई बार क्या है, तीसरे धागे का भी क्या कर लेते हैं, इनको बांधने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। तो ये क्या है, गांठ वाला धागा। अब बात करते हैं ग्रिंडेल धागा। ग्रिंडल धागा है, जब दो या दो से अधिक रंगों के धागों को एक साथ मिलाकर बटकर व ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है तो इसे ग्रिंडल धागा कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक रंगों के धागों को मिलाया जाता है। दो रंग भी हो सकते हैं, तीन रंग भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो धागा बनाते हैं इनको मिलाकर, जो ऐंठन देकर, बटकर ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है, वो क्या कहलाता है, ग्रिंडल धागा कहलाता है। अगला है स्ट्रेच धागा। स्ट्रेच धागा है, स्ट्रेच धागा कैसे होता है, स्ट्रेच धागे कृत्रिम विधि से तैयार किए जाते हैं। इन धागों में यह विशेषता होती है कि खींचने पर ये फैल जाते हैं तथा छोड़ देने पर पुनः ये शीघ्रता से अपनी पूर्वाकृति को ग्रहण कर लेते हैं। यानी जब धागा तैयार किया जाता है उसी में क्या है, मशीन द्वारा इनको क्या है, एक निश्चित तापक्रम पर इनके रूप, आकार, स्थिति व आकृति को क्या कर देता है, निर्धारित कर देता है। इस निश्चित तापक्रम पर वस्त्र को धोने, रगड़ने, सुखाने,
लटकाने फैलाने आदि से क्या है कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु इससे अत्यधिक तापक्रम पर धागे क्या होते हैं पिघल भी जाते हैं, वह इनका आकार क्या हो जाता है बिगड़ जाता है। ऐसे धागे को रासायनिक विधियों से संश्लेषित करके बनाया जाता है, अतः इन्हें संश्लेषित धागा भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं संश्लेषित धागा भी कहते हैं। संश्लेषित धागा भी इनको बोल देते हैं क्योंकि रासायनिक विधि से बनाया जाता है, इसलिए इन्हें विभिन्न आकारों में जैसे लूपदार घुंघराले मुड़े मुड़े गांठे वाले स्पाइरल धब्बे वाले आदि बनाए जाते हैं। इन्हें अन्य प्रकार के विभिन्न भागों से भी में भी बनाया जा सकता है। अब इनमें क्या है ताप शून्य में जो रेशे होते हैं यानी सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं ताप से जो बनाए जाते हैं वो फ्री साइज के वस्त्र बनाए जाते हैं जो विभिन्न नापों के होते हुए भी शरीर पर फिट बैठ जाते हैं। अपने इन्हीं विशेष गुणों के कारण संश्लेषित वस्त्र काफी लोकप्रिय हो जाते हैं। अब बात करते हैं बनावटी धागा या टेक्सचर्ड धागा। अब इसके अंदर है बनावटी या टेक्सचर्ड धागा। टेक्सचर्ड धागा आपको बताया था टेक्सचर किसे कहते हैं, फील को कहते हैं। जब हम किसी के ऊपर हाथ लगाते हैं और उसमें हमें फीलिंग का पता चलता है कि ये कैसा है तो वो क्या कहलाता है टेक्सचर धागा कहलाता है। तो टेक्सचर धागे में क्या है बनावटी धागा या टेक्सचर धागा स्ट्रेच धागे का ही उन्नत एवं संशोधित रूप है। जो भी ये धागे हैं उन्हीं में क्या है आगे आगे जैसे जैसे धागा बनता जाता है उसी में क्या है थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके उनके नाम चेंज कर देते हैं। तो इसका भी क्या है टेक्सचर जो स्ट्रेच धागा है उसी के उसमें ही उसमें थोड़ा चेंज कर दिया। उत्तम गुणवत्ता लाई जाती है जो साधारण फिलामेंट में नहीं होती है। यह प्राय नायलोन के धागे से बनाए जाते हैं। जो टेक्सचर्ड जो धागे होते हैं वो नायलोन के धागे से बनाए जाते हैं क्योंकि क्या है नायलोन के धागे क्या है ताप शून्य होते हैं। ये रेशम के समान चमकदार सुंदर बारीक एवं स्पर्श में चिकने एवं मुलायम होते हैं, परंतु अन्य उपयोगी गुणों में यह रेशम से भी अधिक श्रेष्ठ व बेहतर होते हैं। इनमें प्रत्यास्था लचीलापन मजबूती प्रतिस्कंदता आदि का अनोखा गुण विद्यमान होता है। अब इसमें क्या है जो ये धागे होते हैं इनको इसलिए टेक्सचर धागा बनाकर इनकी गुणवत्ता में क्या है वृद्धि की जाती है ताकि ये अत्यधिक आरामदायक हो सके। इनकी अवशोषकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है जिससे रेशों के बीच में हवा के लिए पर्याप्त स्थान होता है और क्या है जिसके कारण ये शरीर से चिपकते नहीं हैं। इसलिए क्या है ये धुलाई के पश्चात ये शीघ्रता से सूखते तथा मुलायम व कुछ अधिक गर्म भी होते हैं। तो ये थे तो हमारे बनावटी या टेक्सचर धागे। अब इसके अंदर क्या है बनावटी या टेक्सचर जो धागा है इसके अंदर भी क्या है कई प्रकार के धागे होते हैं जैसे बनावटी सतह वाला धागा और दूसरा खींचे जाने वाला धागा। तो इस प्रकार से क्या है ये थे हमारे धागे के प्रकार। आपको बताया कि धागे के कितने प्रकार बताए थे दो बताए थे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं एक साधारण एक मिश्रित। साधारण धागे भी चार प्रकार के होते हैं और मिश्रित धागे क्या है ये 9-10 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने अलग अलग प्रकार के धागों की बात की स्लब धागा फ्लैक धागा स्पाइरल या कॉकस्क्रू धागा रेटाइन धागा लूप कुंडली नुमा या बाउसले धागा गांठ वाला या धब्बे वाला धागा ग्रेंडल धागा स्ट्रेच धागा या संश्लेषित धागा और लास्ट में हमने बात की बनावटी या टेक्सचर्ड धागा। तो इस प्रकार से क्या है हम इंडस्ट्री में क्या रोज नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं तो उसी में क्या बताया मैंने आपको कि उसी में क्या कर देते हैं थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं जो पहले वाला धागा होता है उसी में थोड़ा चेंज करके क्या है उसको बनाया जाता है। तो ये था आज के धागे के प्रकार। आज के लिए इतना ही और ये हमारा धागे के जो प्रकार हैं वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। ये आगे हम करेंगे
वस्त्र निर्माण, यानी धागा तो सूत रेशे से धागा बना लिया, और धागे के प्रकार के, धागे में क्या क्या होती है, ऐंठन कितने प्रकार की होती है, धागे कितने प्रकार के होते हैं, यह हमने इसमें हमने पूरे टॉपिक में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वस्त्र निर्माण, जिसमें हम बात करेंगे वस्त्र का कैसे निर्माण किया जाता है धागों के द्वारा। तो ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।